ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। गुजरात के वडोदरा में छात्रों से भरी नाव हरनी झील में पलट गई, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि छात्रों का समूह हरनी झील पर पिकनिक मनाने के लिए गया था। नाव पलटने से 14 छात्रों और 2 शिक्षकों की मौत हो चुकी है। बचाव अभियान खत्म कर दिया गया है, लेकिन लापता लोगों की तलाश लगातार की जा रही है। आपातकालीन सेवाओं के अधिकारियों ने कहा कि वो तलाशी अभियान खत्म होने के बावजूद सुबह 10 बजे लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करेंगे। मेरा ना कुछ जाना ना नीचे चले गए ना, मैं अकेला था ना, कुछ जन ऊपर आ गए बोट पकड़ ली ना, हम बोट को ऊपर गए ना, पाई ना हम पाइप पकड़ के ऊपर आ गए। कितने बच्चे बिठाए थे अंदर? 30 बच्चे बिठाए। और टीचर्स कितने थे? 3 3 टीचर्स थे। और जैकेट पहनाए तू? जैकेट पहनाया था? नहीं पहना। पिकनिक पे लेके गए थे, नाव में बिठाए थे वो तो, और इन लोग कुछ सेफ्टी भी नहीं पहनाए थे बच्चों को। और 12 जन की नाव थी वो, तो लोग 27 जन टोटल बैठे थे। तो ये तो गलत है ना, छोटे छोटे मासूम मासूम बच्चे, कितने बच्चे हमारे, तो हमारा एक बच्चा ऑफ भी हो गया। सुबह तक हम 10 बजे तक ये सब सिलसिला शुरू रखेंगे और 10 बजे हम फाइनली मिसिंग रिपोर्ट कोई भी नहीं है वो देंगे जी। पूरा सर्च ऑपरेशन हो जाने के बाद अंडर वाटर कैमरा की मदद से हम लोग देखते हैं, कोई मिसिंग रिपोर्ट तो नहीं है। फिर भी कुछ ना कुछ जो शाम को दिक्कत हुई थी कि एक नाम के 2 बच्चे थे, तो उसकी वजह से कुछ हो सकता है अंदर हो, तो उसकी वजह से अंडर वाटर सर्विलेंस कैमरा से हम लोग पूरी लास्ट में एक सर्च ऑपरेशन करते हैं पानी में, वो अभी चल रहा है। 27 बच्चे थे, वी आर ट्राइंग, जो हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन से, आप चिंता मत करिए। चलिए ठीक है। फिलहाल अभी कोई मिसिंग तो है नहीं, बट फिर भी हम मिसिंग है या नहीं उसका कंफर्मेशन ले रहे हैं स्कूल के साथ। अगर मिसिंग हुआ, हमारा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन तो साथ में शुरू ही है, पर लग नहीं रहा है कि कोई मिसिंग हो। जैसे टैली हो रहे हैं, जैसे नंबर्स टैली हो रहे हैं, उसमें मिसिंग तो नहीं लग रहा है, बट देन ऑल्सो वी आर सर्चिंग। अच्छा, कोई मौत का आंकड़ा कंफर्म हुआ है कितना है? नहीं, वो हॉस्पिटल से हो पाएगा आपको।